हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आज आपके लिए फिर इनकम टैक्स का एक नया सेशन लेकर आया हूँ, TDS में 194J, जो कि हमारी प्रोफेशनल सर्विस के लिए है। तो चलिए हम चल जानते हैं 194J के बारे में। लेकिन यार दोस्तों, प्लीज़ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इनकम टैक्स, GST, अकाउंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो है सेक्शन 194J, क्या TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। जो हम प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, CA होता है, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर भी TDS डिडक्ट होगा। पेयर कौन होगा? पेयर एनी पर्सन होगा अदर देन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जैसे कि कंपनी हुआ, फर्म हुआ, ये TDS डिडक्ट करेंगे। लेकिन कौन से इंडिविजुअल और HUF कवर होंगे? इन केस अगर इंडिविजुअल और HUF TDS रिक्वायर्ड, उनको भी TDS डिडक्ट करना होगा। किसको? इंडिविजुअल को और HUF को भी, यदि उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। और किस केस में? बिजनेस के केस में। और ग्रोस रिसीव्ड 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। किस केस में? प्रोफेशनल के केस में। तो उन इंडिविजुअल और HUF को भी TDS डिडक्ट करना होगा जब वो प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करेंगे। और पेई कौन? एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी इंडिया का रेसिडेंट पर्सन को यदि वो पेमेंट करते हैं तो उन्हें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब नो टीडीएस यदि TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे आपने फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस अप टू 30,000 रुपये पर एनम, यदि मान लो आप जो फीस पे करते हैं प्रोफेशनल सर्विस की, यदि वो साल भर में 30,000 रुपये से कम है तो आपको कोई भी TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बी नंबर क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। देखो प्रोफेशनल सर्विस में जैसे कि डॉक्टर, CA, वकील आते हैं, टेक्निकल सर्विस देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको मशीन है रिलेटेड, उसमें आपने कोई किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपने कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी, तो वो किस में आएगी? वो टेक्निकल सर्विस में आएगी। उसमें भी यही लिमिट है, यदि आप 30,000 रुपये तक पेमेंट करते हो साल भर में तो आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है। 30,000 से ऊपर होने पर आपको पूरे फुल अमाउंट पर TDS डिडक्ट करना है। रॉयल्टी अप टू 30,000 पर एनम, यदि आप किसी व्यक्ति को रॉयल्टी पे करते हैं और उस रॉयल्टी का अमाउंट यदि मान लो 30,000 रुपये से कम है साल भर में तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। यदि 30,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको TDS डिडक्ट करना है। देखो नॉन कम्पीट फीस अप टू 30,000 रुपये पर एनम। नॉन कम्पीट फीस का मतलब होता है किसी काम को ना करने के लिए पैसे देना, नॉन कम्पीट फीस होता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है सॉफ्टवेयर कंपनी में, जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ता है तो कंपनी उससे बोलती है कि वो किसी हमारे कंप्यूटर के यहाँ जाकर ज्वाइन नहीं करे तो हम आपको एक फीस देंगे और उस फीस उसके लिए हम एक पेमेंट करेंगे, और वो फीस कौन सी कहलाती है? नॉन कम्पीट फीस। यदि वो 30,000 रुपये तक है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन 30,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो TDS डिडक्ट होगा। इन केस ऑफ डायरेक्टर की फीस, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपके डायरेक्टर की फीस के लिए कोई लिमिट नहीं है। यदि आप 1 रुपये का पेमेंट भी यदि आप डायरेक्टर को करते हो तो आपको TDS डिडक्ट करना कंपलसरी है। देखो इसके लिए जो किस रेट से TDS डिडक्ट होगा, तो देखो नॉर्मली 10% की रेट से TDS डिडक्ट होगा इन पर। लेकिन यदि आपने पेमेंट 14 मई 2020 से लेके यदि आपने 31 मार्च 2021 के बीच में यदि आपने पेमेंट करी है तो ये जो 10% है ये 7.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.5% हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू कोविड सेवन रेट को क्या कर दिया गया था? 75% कर दिया गया था।
लेकिन जो ये लिमिट दी गई है 30,000 की, ये सेपरेट है। जैसे कि मान लो प्रोफेशनल सर्विस के लिए 30,000 अलग है, टेक्निकल सर्विस के लिए 30,000 अलग है, रॉयल्टी के लिए 30,000 अलग है, और नॉन कम्पीट फीस के लिए 30,000 रुपये अलग है। तो ये सेपरेटली दी गई है। डायरेक्टर के लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। यदि आपने पेमेंट टू कॉल सेंटर, यदि आप पेमेंट करते हो कॉल सेंटर को, तो जो TDS का जो रेट होगा वो 10% से के रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, आपका 2% हो जाएगा। और यदि आपने 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट करी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5%। यदि आपने पेमेंट FTS, FTS का मतलब होता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, सिर्फ कौन सी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी की सर्विस, नेचर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीब्यूशन सिंटोग्राफी फिल्म में करी है, तो ये क्या हो जाएगा, जो TDS का रेट जो 10% है, वो 10% ना होगा, कितने परसेंट से डिडक्ट होगा TDS, 2% की रेट से TDS को हम डिडक्ट करेंगे। उसके बाद नो TDS 194J वाई इंडिविजुअल और HUF, है ना, इंडिविजुअल HUF को TDS डिडक्ट नहीं करना है। इवन यदि वो 44AB में कवर होता है, 44AB का मतलब यदि वो उसका ऑडिट भी होता है, यदि वो पेमेंट इज बीइंग मेड फॉर द रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस और पेमेंट टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यदि मान लो कोई इंडिविजुअल है और यदि उसका ऑडिट भी होता है, और यदि वो रॉयल्टी के लिए, नॉन कम्पीट फीस के लिए या पेमेंट करता है डायरेक्टर को, तो उसे TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नो TDS 194J वाई इंडिविजुअल और HUF, यदि पेमेंट फॉर द प्रोफेशनल सर्विस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोफेशनल सर्विस की, ओनली प्रोफेशनल सर्विस इज मेड और क्रेडिट फॉर द पर्सनल पर्पज के लिए, यदि इंडिविजुअल और HUF यदि पेमेंट करता है किसकी, प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड और किसके लिए, पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसको TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो और ये सेक्शन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों। चलो थैंक यू वेरी मच। अगर एनी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।